नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक सर्कुलर 29 अगस्त 24 को रिलीज किया है, जिसका मकसद है कि उन सारे पेंशनर्स का जो 10 साल से ऊपर कमिटेड वैल्यू कटा चुके हैं, इनका डिडक्शन हो चुका है, उनका फर्दर रिकवरी कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन का स्टॉप कर दिया जाए। और इस बारे में उन्होंने ऑल पेंशन डिसबर्सिंग बैंक को 29/8 को एक सर्कुलर जारी किया, इश्यू ऑफ स्टे ऑर्डर ऑन रिकवरी ऑफ कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन टू द लेटर डेटेड 28 June 2024 ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव। इन कंप्लायंस टू द इंटरिम ऑर्डर पास बाय ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन वेरियस petitions, the necessary direction to stop the recovery of committed value of pension till the vacation of stay orders from pensioners petitioner in writ petitions have already been issued as per letter mentioned above. In order to avoid further litigation in the matter, state government has now considered the issue and decided to stop the recovery of committed value of pension till the vacation of stay order from all pensioners including petitioners of state government who have completed 10 years of the retirement or above. You are requested to issue necessary direction to the officers concerned for implementation of above decision. State Punjab state government ne ye decision le liya ki jiska service 10 saal ho gaya hai, उन सारे पेंशनरों का कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन काटने के लिए अभी रोक दिया जाए जब तक कि स्टे ऑर्डर का वैकेट नहीं होती है। सो फ्रेंड, ये काम बैंकर्स को भी करना चाहिए, आईबीए को इस तरह की एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग बैंकों से अलग अलग ग्रुप ऑफ पेंशनर इसके लिए प्रोसीड कर रहे हैं और अननेसेसरी की प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। जब स्टे वैकेट हो जाएगा, जो भी डिसीजन कोर्ट का वर्डिक्ट जो भी आएगा, अकॉर्डिंगली आपको आगे काम करना है। सो इन लिटिगेशन को अवॉइड करने में हमारे के वजह से आप इसका एडवाइजरी जारी करें, ताकि बैंकर्स अपने भी पेंशनर्स का जिनका 10 साल सर्विस पूरा हो चुका है, उनका कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन को काटना बंद कर दे। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।